किसी महान ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में इंसान को हर चीज मिल सकती है, बस एक चीज नहीं मिलती, वो चीज होती है इंसान की खुद की गलती। सोनू सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। एक बार की बात है, एक आदमी बड़े कमाल की पेंटिंग बनाता था। उसकी पेंटिंग्स जो थी वो 500 रुपए में बिका करती थी। इस तरीके से रोजाना एक पेंटिंग बनाता और महीने के करीब 15,000 रुपए तक कमाता था। ये सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब उसकी उम्र हो चुकी थी, उसके हाथ कांपने लगे थे। तो उसे लगा कि ये जो कला है, ये जो हुनर है, अपने बेटे को सिखाया जाए। बेटे को बुलाया और बुला कर के कहा कि बेटा देखो, ऐसी बात है कि ये हुनर मैंने तुम्हारे दादाजी से सीखा है और मैं चाहता हूँ कि ये तुम भी सीखो और इस तरीके से हमारी जो जनरेशन चला आ रहा है वो चलता रहे और तुम्हारी भी कमाई बढ़िया रहेगी। तो बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी, आपका जो आदेश है वो तो मानना पड़ेगा। बेटे ने पेंटिंग सीखना शुरू किया, पिताजी ने सिखाया किस तरीके से कलर्स का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से सोचना है, क्या सोचे कि बढ़िया से बढ़िया पेंटिंग बने। बच्चे ने बड़ी मेहनत के बाद एक पेंटिंग बनाई, अगली सुबह जाकर के मार्केटिंग की और वापस आया और पापा को कहा कि पापा बेच तो दी लेकिन खुश नहीं हूँ। पिताजी ने कहा क्यों, बेच तो दी, खुश होना चाहिए। तो उसने कहा कि 100 रुपए की बिकी, आप 500 रुपए की बेचते हैं, मुझे तो वो 500 रुपए वाली पेंटिंग बेचनी है। पिताजी ने कहा देखो बेटा, हो सकता है कि तुम मार्केटिंग ना कर पाए हो, तुम बेच ना पाए हो ढंग से, मैं तुम्हें बेचने का तरीका सिखाता हूँ। थोड़ा और उसे गुड़ सिखाया, थोड़ा और उसे एक्सपर्ट बनाया, फिर से वो बाजार में गया अगली पेंटिंग बना करके। इस बार उसने 200 रुपए की बेची, वापस आया उदास, बोला पापा आप कुछ मुझे बता नहीं रहे, कुछ तो है जो आप छुपा रहे हो, कुछ तो मुझे बताओ कि क्या चीज है जिससे कि वो 500 की पेंटिंग बिके। पिताजी ने उसे और थोड़ा गुड़ सिखाया, उसे कलर करेक्शन करना बताया, उसने सब तरीके से सिखाया, ये करो वो करो। इसके बाद वो फिर से पेंटिंग बनाता है और बाजार में जाता है। इस बार वो पेंटिंग 300 रुपए की बिकती है। वापस आकर के बताया कि पापा अभी भी उदास हूँ, 300 रुपए की बिकी है और अभी भी आप कुछ ना कुछ छिपा रहे, मुझे बता नहीं रहे, आप मुझे सिखाओ, मुझे 500 रुपए वाली पेंटिंग बनानी है। पिताजी ने उसे और सिखाया और इस बार उसने बड़े कमाल की पेंटिंग बनाई। बना करके जब वो मार्केट गया उस दिन उसकी पेंटिंग 700 की बिकी, बहुत खुश था। पिताजी ने पूछा क्या वजह है, क्या बात है? तो उसने बताया कि पापा आज 700 रुपए की बिकी है, आज तो बहुत खुश हूँ, कमाल हो गया, मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिताजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि 1000 रुपए की पेंटिंग कैसे बनाए। इस पर बेटे ने कहा कि पापा बस आप मुझे नहीं सिखा पाओगे, आप खुद 500 की बेचते थे, मैंने 700 रुपए की पेंटिंग बेची है। ये बात सुनने के बाद व्यक्ति जो बूढ़ा पेंटर था उसने कहा कि बेटा ऐसा ही कुछ मुझे भी लगा, मैंने तुम्हारे दादाजी से सीखा था और वो 300 रुपए की पेंटिंग बेचा करते थे, एक दिन मैंने अपनी पेंटिंग 500 रुपए में बेची। घर आने पर जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 700 की पेंटिंग सिखाऊंगा, तो मैंने कहा कि बस आपको 300 की आती है, इससे ज्यादा आप नहीं सिखा पाओगे और आपको आती भी नहीं। उस दिन मैंने सीखना बंद कर दिया था, अगर तुम भी सीखना बंद कर दोगे तो तुम्हारी पेंटिंग भी 700 पर आकर अटक जाएगी। इस कहानी को आप अपने आप से जोड़ने की कोशिश करें। आज हमारी और आपकी लाइफ में भी यही होता है, हमने थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया, हमें कुछ आ गया तो हमें लगने लगता है कि बस हमने बहुत सीख लिया, इससे ज्यादा हमें सीखने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि हमारी लाइफ में प्रोग्रेस रुक जाती है, इसलिए हमारी जिंदगी में भी जो सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, तो सीखते चलिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ है जो आपको सिखा सकती है। इसलिए मैं सोनू सिंह आपसे कहता हूँ कि जिंदगी में सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, इसलिए कुछ ऐसा करिए कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहे। अगर कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो शेयर करिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।